अभी मैं जो देख पा रहा हूँ वो आप देखिए सामने राकेश सिंह मनहास जो कि जिन्हें मैं देख रहा हूँ बुला रहे अश्विता बुला रहे इशारा कर रहे हैं जैसे ही हम लोग को ज्ञात हुआ ऑपरेशन में जो मिसिंग था वो जवान नमावादियों के चंगुल में है तो वैसे ही हम लोग के जो है लगातार प्रयास जारी थे विशेष करके इस क्षेत्र के जो समाज प्रमुख लोग हैं और साथ ही जो इस संभाग में जो कार्यरत जो है प्रमुख जो है समाज सेवी लोगों से उनके माध्यम से संपर्क किया गया साथ ही उसमें कुछ मीडिया के भी साथी थे वो सभी का जो है से संपर्क करके जो है माओवादियों को जो है माओवादियों के चंगुल से हमारे जो जवान हैं उसको सकुशल रिहा करें। हम लगातार माओवादी संगठन से संपर्क में रहे माओवादी संगठन को मैसेज करते रहे और फ़ोन पे उनसे संपर्क करते रहे कि उनकी रिहाई हो जाए जिसके बाद माओवादी संगठन द्वारा एक प्रेस नोट जारी किया गया। प्रेस नोट में ये स्पष्ट किया गया है कि वो उनके कब्जे में जरूर है मगर वो सुरक्षित है। हम बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है और जो छोड़ रहे हैं हम उनका धन्यवाद जो हमारे बेटे को छोड़ रहे हैं और भगवान का भी बहुत बहुत ज़्यादा शुक्रिया। खुशी करेंगे सब कुछ खिलाएंगे उनको हाँ वेलकम अच्छी तरह करेंगे उनका। मैं बहुत खुश हूँ और मैं सबसे पहले थैंक्स गॉड भगवान को बोलूँगी उसके बाद गवर्नमेंट को बोलूँगी सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट उसके बाद मीडिया को और फोर्स को बोलूँगी थैंक्स सो मच। बहुत 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 ही गंदे दिन थे वो ज़िंदगी के सबसे गंदे दिन थे बहुत मुश्किल से गुजारे मैंने बट फिर भी मैंने हिम्मत नहीं हारी पेशेंस रखा नहीं वो वापस आ जाएंगे जल्दी आ जाएंगे दिल में यही था कि वो वापस आएंगे। मुझे उम्मीद उसी दिन से थी जिस दिन मुझे हिंट मिला कि वो उनकी कस्टडी में है उस दिन से मुझे उम्मीद थी बट उम्मीद थी कि वो वापस आएंगे बट ये कन्फर्म नहीं था कि किस दिन आएंगे।